चारा घोटाले के सबसे बड़े दोरंडा कोषागार केस में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची की कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है। खास बात यह है कि इस मामले की सजा 18 अगस्त को सुनाई जाएगी। फिलहाल लालू यादव को जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी है, तो आइए सुनते हैं आरजेडी समर्थक और यहाँ के वकीलों का क्या कहना है। आरसी 47A 96 का ये मामला है जो 90-92 का डोंडा कोषागार से संबंधित है, जिसमें सीबीआई चार्जशीट की थी 170 लोगों पर और 139.35 करोड़ का ये मामला है, जिसमें फिर बाकी ट्रायल के दौरान जो है बाकी लोगों की मृत्यु हो गई। बाकी जो है 99 लोगों का ट्रायल फेस किया, जिसमें 24 लोगों को इक्विटल किया गया रिहा और 34 लोगों को 3 साल की सज़ा दी गई और बाकी लोग 41 लोगों को सजा के बिंदु पर 21 तारीख को तिथि निर्धारित की गई है, जिनको कन्विक्ट किया गया है। तो जो पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको अंडर सेक्शन 420, 467, 468, 471, 477 IPC एंड अंडर सेक्शन 13(2) रेड विथ सेक्शन 13(1)(c)(d) प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में दोषी करार दिया गया है। अब बाकी जो सप्लायर वगैरह हैं तो उनको IPC में धारा में और 120B में सब दिया गया और रेड विथ 120B है। पॉलिटिशियन में जो भी है सब है आज कन्विक्टेड हुए हैं अंडर सेक्शन 420 120B रेड विथ सेक्शन 420 467 468 471 477 IPC एंड अंडर सेक्शन 13(2) रेड विथ सेक्शन 13(1) एंड C&D प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में लोगों को दोषी करार दिया गया है। उसमें जो है आज निर्धारित थी जजमेंट की तिथि, 24 लोगों को रिहा किया गया, 34 लोगों को 3 साल की सजा दी गई है इन धाराओं में और फाइन अमाउंट किया गया है। अब बाकी जिनको कन्विक्ट किया गया उनको नेक्स्ट जो है 21 तारीख को सुनवाई होगी। लालू यादव जो है आरजेडी के सुप्रीमो माने जाते हैं और इसका मतलब यही है कि वो दोषी पाए गए हैं, इसका मतलब यही है कि कानून की नज़र से बच नहीं सकता अगर वो दोषी पाए जाते हैं। वैसी बात नहीं, राजनीति की कोई बात नहीं। माननीय न्यायालय में चार्जशीट थी, माननीय न्यायालय में ट्रायल हुआ, कौन पॉलिटिशियन है ये नहीं, ये बाहर की बात है। वहाँ पर हर कोई एक्यूज है, हर कोई ट्रायल फेस कर रहा है और वहाँ इक्विटल भी होता है और कन्विक्शन भी होता है, तो इसमें माननीय लालू जी को दोषी करार दिया गया है। ये 5वां मामला था उनका, 35 करोड़ का मामला है, 90 से 92 डोंडा कोषागार में ये बात आई थी, 90 to 92 90 से 92 का मामला है। करार कर दिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, न्यायालय का फैसला है और न्यायालय के फैसले को सारे लोग मानते हैं, तो इस पर किसी तरह की कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। न्यायालय के फैसला का स्वागत है। अब जिस तरह से इनके वकीलों ने ये कहा है कि ये एक उम्रदराज व्यक्ति हैं और इन कई बीमारियों से वे जूझ रहे हैं, तो उस बीमारी का हवाला देते हुए माननीय कोर्ट के पास अपनी बात को रखेंगे और फिर उसके बाद कोर्ट क्या फैसला लेता है कि इनको रिम्स में इलाज के लिए जाना है या होटवार जाना है, कहाँ जाना है, ये न्यायालय का फैसला होगा, उस फैसले को का स्वागत होगा। देखिए, ये न्यायिक फैसला है तो इस पर ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो भी फैसला आया वो हमें एक्सेप्ट करना है। और आगे यही कहूँगी कि उन पर अभी सेंटेंस आना बाकी है, एग्जैक्टली 21 तारीख को आएगा, तो फैसला जब तक नहीं आया तब तक आगे के लिए हम यही उम्मीद करते हैं कि उनके हेल्थ को और उनके एज को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट डिसीजन ले। तो कोर्ट का जो फैसला आया है उसका तो हम लोग उसका मैंने कोर्ट का समर्थन करेंगे कि मैंने कोर्ट ऐसी किया है। हम लोगों को तो लालू जी को सब मिल करके फंसा दिया, लालू जी को सब मिल करके राजनीति करने वाले लोग फंसा दिए बेवजह। लालू जी गरीब दलित अकलियत झोपड़ी के रहने वाले लोगों के नेता थे, लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, लोगों ने केस करा दिया, केस करके आज उनको उलझा दिया। वो देश के आज नरेंद्र मोदी को अगर कोई जवाब देने वाला है तो देश में कोई नेता है उसका नाम है लालू यादव। लालू यादव ही एकमात्र नरेंद्र मोदी को जवाब देने वाले आदमी है। नरेंद्र मोदी तो झूठ बोल करके सत्ता में आ गए, अभी तक मन है यूपी में चुनाव हो रहा है अखिलेश यादव का, वहाँ परचम लहराएगा, वहाँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। ये तो बिहार में भी सत्ता तेजस्वी यादव के हाथ में हो गया होता, लेकिन ये बेईमानी से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने इनको रात में गिनती करके किसी को 15, किसी को 30, किसी को 300 से हरा दिया। 15-20 सीट ऐसे
खेती उलझा कर, नहीं तो नीतीश कुमार तो एकदम निर्लज आदमी है, जिसको 41 सीट आया है, जिसको 76 आया है उसको इतनी नहीं है, 41 वाला मुख्यमंत्री बना है, बन करके मालूम कैसा बचा है, लेकिन समय आएगा तो एक बार तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, आज हो चाहे कल हो। तो आपने सुना कि आरजेडी समर्थक और यहाँ के वकीलों का क्या कहना है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बबूल का पेड़ बोने से आम का फल कहाँ से आएगा। रांची से सहयोगी सोनू कुमार के साथ मैं राशिका बजाज, जीएन भारत। क्यों नहीं भेजा जा रहा है, क्या प्रक्रिया होगी? आज जेल जा रहे हैं जी, 21 तारीख को फिर उनका डेट जी, 21 तब तक कस्टडी में रहेंगे, वहाँ से रिकमेंड करके फिर वो रिम्स में शिफ्ट कर सकते हैं। आज ही शिफ्ट, वहाँ मेडिकल चेकअप होगा उनका उसी बुनियाद पर। 21 हाँ जी, 21 तारीख को कोर्ट ने क्या कहा सर? कोर्ट ने आवेदन दिया गया रिम्स भेजना है फिजिकल बैकग्राउंड के आधार पर जी, पहले होटवार भेजा जाएगा उनको, होटवार से फिर रिम्स करके वहाँ भेजा जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ से रिकमेंड हो गया है, मेडिकल के बाद फिर रिम्स में शिफ्ट कर। आवेदन एक्सेप्ट कर लिया गया? आवेदन एक्सेप्ट हो गया, रिम्स भेजने का आवेदन एक्सेप्ट कर लिया गया। प्रक्रिया है उसके तहत पहले हटवा ले जाएंगे, वहाँ एंट्री होती है, बाद एंट्री होने के बाद रिकमेंड करने के बाद तब फिर रिम्स में शिफ्ट, मतलब ये आवेदन स्वीकार कर लिया गया, ऑर्डर हो चुका है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।